अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड कैसे पता किया जाता है गाइस। तो चलिए गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिएगा और मेरे साथ नोट करते रहिएगा गाइस। टॉपिक क्या है आज का, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। तो हेडिंग आप लोग भी यहां पे लिख लेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। कैसा रिंग है बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो यहां पे हमने हेडिंग क्या पुट कर रखा बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर कर लो। मान लीजिए ये हमने एक रिंग कंसीडर किया बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग, इसका ये सेंटर कंसीडर कर लिए, इसका रेडियस कितना मान लीजिए आर मान लीजिए। अभी अगर हम लोग बात करें तो इसे कार्टेशियन प्लेन कंसीडर कर लो एक्स एंड वाई। तो हम मान ले रहे हैं ये आपका वाई एक्सिस बन जाएगा और ये आपका क्या बनेगा बेटा, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुनिए, इसमें प्रॉब्लम क्या, हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का फार्मूला या नहीं अप्लाई करेंगे, हम छोटे छोटे एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन क्या समझो, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो इस एक्स एक्सिस से इसका हाइट सपोज के लिए जो भी है इतना दिख रहा है। अगर हम दूसरा एलिमेंट यहाँ कंसीडर करेंगे तो इसका हाइट डिफरेंट दिख रहा, अगर हम थर्ड कंसीडर करेंगे तो इसका हाइट कुछ दिख रहा, ऐसे हम एन एलिमेंट छोटे छोटे कंसीडर कर लें तो एन एलिमेंट का जो हाइट है एक्स एक्सिस से वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। यानी आपने पढ़ा होगा ना पोटेंशियल एनर्जी MgH, तो H हमें चाहिए पार्टिकुलर सेंटर ऑफ मास का H चाहिए बेटा, तो वही तो हमें H निकालना है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा सकते ना कि M1H1+M1H2, ऐसा नहीं लगाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो सपोज करिए इस रिंग पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका मास कितना बनेगा dm, और इसका जो थिकनेस है बेटा ये मान लो और ये मान लीजिए, और यहां से फ्रॉम एक्स एक्सिस से एंगल कितना सब चेंज करा बेटा थीटा, और जो सेक्टर आपने कंसीडर किया है इसका भी एंगल कंसीडर कर लो कितना बेटा dθ, कितना dθ। तो ये जो लेंथ आपका बनेगा ये लेंथ कितना बन जाएगा rdθ। आपको पता होगा ना एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को मान लीजिए हमने लिखा dl अपॉन r, तो dl इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो ये जो dl आपने सेक्टर कंसीडर किया उसका लेंथ कितना हो जाएगा r इंटू dθ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल। तो ये जो छोटा सा थिकनेस आपने कंसीडर किया वो क्या मिल जाएगा हम लोग को, r इंटू dθ। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये भी ये अपना क्या है रेडियस है, अब इसका हाइट हमें नहीं पता है। देखो छोटा सा एलिमेंट आपने कंसीडर किया तो इसका हाइट ये देखो हम आर भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते अभी ना बेटा। ये देखो मान लीजिए ये वाई है बेटा, तो वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर हम इसके कंपोनेंट लेते हैं घटक बनाएंगे तो आर का इधर वाला अरे ये एंगल ये रेडियस ही तो होगा बेटा, तो ये थीटा है, तो आर ये क्या बनेगा आर साइन थीटा, और यहां से अगर ये हम एक्स कंसीडर कर ले तो ये क्या बनेगा r cos थीटा, अरे अगर हम इससे बात करें बेटा तो ये क्या बनेगा r cos थीटा। ऐसे सिंपली समझो इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या बनता था r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, समझ पा रहे हो। यानी जो आपने मास छोटा सा dm कंसीडर किया उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा बन जाएगा, इतनी बात समझ रहे हैं बेटा। अगर इसका मास m है और रेडियस कितना बेटा r है, तो हमने कल को आपको सिखाया था कि यूनिफॉर्म रॉड होगा यानी लीनियर मास, यानी मास पर यूनिट लेंथ की बात अगर हम लोग करें तो लेमडा डिनोट करते थे। तो आप पहले इसका लीनियर मास डेंसिटी समझ लो बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता बेटा, लेमडा इज इक्वल टू होता मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो देखो बेटा भाई मास इसका कितना, मास इसका हमने कितना कंसीडर किया m, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय लेंथ। अब तो लेंथ क्या होगा, ये देखो ये पूरी लेंथ हमें चाहिए लेंथ,
तो आर्क होता है लेंथ, आर्क लेंथ ही तो लिखेंगे, बट ये सेमी सर्कुलर मतलब कंप्लीट सर्कल होता है, तो आर्क लेंथ कितना होता बेटा, सर्कमफेरेंस 2πr लिखते हैं हम लोग, लेकिन वो आधा है तो आधे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर, सिंपली है ना। तो सिंपल सा बात है बेटा, अगर कंप्लीट होता तो 2πr लिखा जाता, आधा है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई इंटू आर, ठीक है। अब एलिमेंट का मास हमें पता करना होगा बेटा, एलिमेंटल मास, तो एलिमेंटल मास अगर हम लोग बात करें, एलिमेंटल मास, तो एलिमेंटल मास हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डी एम इज इक्वल टू, अगेन वही फार्मूला अप्लाई कर लो, लेमडा इंटू डी एल, देखो लेमडा इज इक्वल टू वही फार्मूला है ना, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, वो छोटे से सेक्टर के लिए हम लोग बात करेंगे, तो डी एम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, और लेमडा की वैल्यू है कितना बेटा, एम अपॉन पाई इंटू आर, और डी एल की वैल्यू क्या लिखा हम लोगों ने, डी एल की वैल्यू हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, ये थीटा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये छोटे से सेक्टर का हम लोग पता करें तो डी थीटा, ये कितना बनेगा बेटा, डी थीटा, तो यहाँ पे लिख लो R इंटू डी थीटा, R और R आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा M अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये छोटे से मास का, एलिमेंट का मास हमें पता चल गया, जो हमने डी एम कंसीडर किया था उसका कितना मिला बेटा, M अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अभी देखो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए इन x डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन x इंटू डी एम होल डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे बेटा, डी एम, और देखो लिमिट कहाँ से लगाएंगे, जीरो, देखो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते बेटा जीरो से, अगर हम पूरा ये कवर कर ले तो हर एक एलिमेंट हमारा कवर हो जाएगा, यानी ये कितना एंगल होगा, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्स, एक्स की वैल्यू कितना लिखा जाएगा, आर कॉस थीटा, कितना लिखा जाएगा बेटा, आर कॉस थीटा, तो देखो हमने लिखा आर कॉस थीटा इंटू डी एम है पाई, एम अपॉन पाई, डी एम क्या बेटा, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई डिवाइडेड बाई डी एम, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, जीरो से कहाँ लिखेंगे बेटा, पाई, क्या लिखेंगे, जीरो से पाई। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बाकी हम लोग करते ही नहीं है, अभी समझ लीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा होता, कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन थीटा। अब जब साइन थीटा के जगह पे हम लोग रखेंगे, एक बार देखो, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग, अरे मतलब साइन पाई जीरो बनेगा, और फिर साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो ओवरऑल जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो वैसे भी दिख रहा था कि इन एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ये ओरिजिन जो आपने माना वहीं पे लाई करेगा, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कितना मिल गया बेटा, जीरो, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर रहे, इसमें क्या मेहनत करना, एक्स डायरेक्शन में वैसे भी दिख रहा था कि जीरो पे लाई करना चाहिए था। अब देखो बेटा इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं हम लोग, वाई सी एम निकालेंगे, y इंटू डी एम होल डिवाइडेड बाई m लिख दें डायरेक्ट, तो भी हम लोग कर सकते हैं बेटा m, या हमने डी एम ही लिख दिया, चलो ठीक है, y, y की वैल्यू क्या लिखेंगे, r साइन थीटा इंटू m अपान पाई इंटू डी थीटा, जीरो से पाई होल डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे बेटा, m लिख दो डायरेक्ट, m लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है m, क्योंकि कल हमने सिखाया था कि ना डी एम डी एम डी एम डी एम डी एम अगर हम लोग जोड़ेंगे तो m आ जाएगा अपना, तो यहाँ से क्या बाहर है देखो बेटा, r पाई m, मतलब r m अपॉन पाई, और पहले से क्या है बेटा नीचे m, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, जीरो से क्या होता बेटा पाई, जीरो से, अरे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सभी बच्चों को पता होता भाई, माइनस कॉस थीटा, माइनस अंदर ले लो, ये देखो एम एम कट गया, बाहर आया आर अपान पाई, और माइनस भी मान लीजिए हमने बाहर ही कर लिया, क्या दिक्कत है, कॉस पाई, पहले अपर लिमिट माइनस कॉस जीरो, अब आप बताओ, आप ही बताओ, माइनस आर अपान पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू माइनस वन, ये हो गया माइनस टू, कितना हो गया माइनस टू, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन में कितना मिला बेटा, टू आर अपॉन पाई,
तो अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कहाँ पे लाई करेगा, यहां से कितनी हाइट पे बेटा, यहां से कितनी हाइट पे, 2r/π यानी YCM 2r/π डिस्टेंस पे हमारा मिल जाएगा, 2r/π डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करे। तो इसी को देखते हुए मैं आपको एक और डेरिवेशन बताता हूं ताकि उसका डेरिवेशन याद रख के हर एक रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग या छोटा सा आर्क होगा उसका भी सेंटर मास आप इजीली बता सकते हो बेटा। तो चलिए आप लोग उसको भी हेडिंग डाल लीजिए, इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपना नोट्स बना रखे हो उसी में आप इसको भी ऐड कर लो। आज का हमारा क्या था, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। दूसरा हेडिंग लिखेंगे बेटा, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर सेगमेंट ऑफ रेडियस आर। ये मान लीजिए रेडियस के नाम बेटा आर आपने कंसीडर कर लिया, इसका रेडियस के नाम मान लिया आपने आर मान लिया, ठीक है। तो देखो इसको, इसके लिए भी हम लोग सिंपल सा वर्क यही फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको भी सॉल्व करने के लिए। देखो जैसे सपोज करिए बेटा ये आपका एक आर्क है, क्या है बेटा आर्क है, ये देखिए ये एंगल कितना सबटेंज करा बेटा, टोटल एंगल इसका कितना थीटा, तो इसके बाइसेक्टर को हम मान ले रहे हैं बेटा एक्स एक्सिस और इसे हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं वाई एक्सिस, समझिएगा आप लोग एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका रेडियस कितना मान लीजिए आर मान लीजिए। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, छोटे छोटे एलिमेंट में भी हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। आप समझिए बेटा जैसे सपोज करिए एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, इसका लेंथ कितना डी एल, ये देखिए ऐसा ये और दूसरा ये देखो ऐसा, यहां से एंगल हमने मान लिया फाई और ये छोटा सा सेक्टर जो आपने कंसीडर किया वो कितना हो गया डी फाई हो गया, कितना हो गया डेल डी फाई, समझ पा रहे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हम इसके वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास बात करें तो मिलेगा नहीं, जीरो मिलेगा। आप खुद देखो जितना इसके ऊपर है उतना नीचे है, जितना इसके ऊपर पार्ट है उतना नीचे पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाई पे लाई करेगा ना, मतलब y में तो लाई नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा वाई से। बट मैं आपको सिखाता हूं आप समझो, देखिए बेटा अगर हम लोग इसे मान ले ये देखो रेडियस r ही होगा तो ये लेंथ कितना मिलेगा r cos phi, रेडियस के r cos phi, ये क्या मिलेगा बेटा r sin phi, क्या मिलेगा r sin phi। तो मैं आपको दो मेथड बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वही आप एक्सेप्ट करो बेटा। तो देखिए एक जो हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका लेंथ कितना होगा आर थीटा, अरे भाई मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ क्या होगा इस सेक्टर का जो आपने ये ए बी है बेटा ये ए बी, तो ए बी का लेंथ कितना होगा आर इंटू थीटा, ये एंगल कितना सबटेंस कर रहा था थीटा, तो आर थीटा हो जाएगा। सो एलिमेंट मास डीएम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा लेमडा इंटू ये डीएल, तो डीएल की जगह पे क्या लिखोगे आर इंटू डी फाई, तो ये देखो आर इन पहले मैं लिख दे रहा हूं डीएल, क्या लिखेंगे बेटा डीएल, लेमडा की वैल्यू है एम अपान आर इंटू थीटा और डीएल की जगह पे आर इंटू फाई, तो आर और आर कट जाएगा तो एम अपॉन थीटा इंटू डी फाई, ये आपको क्या मिल जाएगा बेटा डी एम एलिमेंट का मास पता चल जाएगा। अब देखो अभी हम लोग बात करें वाई सी एम, अगर हम लोग निकालना भी चाहें वाई सी एम तो क्या लिखोगे वाई डी एल या वाई डी एम, मान लीजिए वाई डी एम अपॉन एम, वाई डी एम अपॉन एम आप मास कंसीडर करोगे। तो देखो वाई वाई क्या बेटा आर साइन थीटा, क्या लिखेंगे वाई आर साइन मतलब फाई है और इंटू डी एम, डी एम क्या बेटा एम अपॉन थीटा इंटू डी फाई, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन देखिए कहां से हम लोग करेंगे, ये देखिए ये पूरा एंगल हम लोगों ने कंसीडर किया था बेटा थीटा, और इसका ये बाईसेक्टर है तो ये इतना एंगल कितना मिलेगा थीटा बाई टू, लेकिन माइनस है क्योंकि इस सेक्टर से नीचे है तो माइनस ले लो थीटा बाई टू, और इतना ही पार्ट ऊपर है ये थीटा बाई टू तो इसे प्लस ले लो थीटा बाई टू और डिवाइडेड बाई एम। अब देखो बाकी हम लोग टेंशन लेंगे नहीं, सिर्फ अब सिर्फ साइन को देखो, साइन का फंक्शन है तो जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है कॉस फाई, क्या हो गया बेटा कॉस फाई हो जाएगा। अब देखिएगा कॉस फाई, तो जब आप इसको रखोगे यहाँ पे कॉस फाई, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कॉस फाई रखेंगे तो कॉस फाई साइन का क्या होता है कॉस फाई, माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस, तो माइनस जब हम लोग बाहर, चलो मैं करता हूँ इसको पहले समझिएगा, आर एम अपॉन थीटा बाहर कर लेंगे और पहले से एम है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस बाहर कर लो तो कॉस फाई क्या हो गया बेटा कॉस फाई, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम लोग बात करें माइनस आर एम, एम एम काट दीजिए तो आर एम कट जाएगा, आर थीटा कॉस थीटा बाई टू माइनस, और कॉस माइनस क्या होता है वो तो खुद प्लस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये तो वही तो रहेगा हमारा कॉस थीटा बाई टू, तो ये और ये कट ही जाएगा तो ओवरऑल कितना मिलेगा जीरो, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा, यहीं पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में, समझ पा रहे, इसी लाइन पे होगा वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास, आपको पता होगा ना भाई, ये देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता प्लस कॉस थीटा ही तो होता भाई, माइनस अगर कॉस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता, वही चीज तो यहां हम लोगों ने लिखा है, ठीक है इतना बात समझ पा रहे होगा आप लोग। ठीक है अब देखो एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे, ये इन एक्स डायरेक्शन में तो एक्स सी एम इन एक्स डायरेक्शन में एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाई एम लिख लेंगे, तो आप बताओ एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे बेटा आर कॉस थीटा, देखो आर कॉस थीटा ना लिख के हम लोग फाई लिखेंगे क्योंकि एंगल हम लोगों ने फाई कंसीडर किया, इंटू डी एम, डी एम है एम अपॉन थीटा इंटू डी फाई, इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, और अपॉन क्या लिखेंगे बेटा एम लिख देंगे हम लोग, अभी यहाँ पे भी बाहर कर लो एम आर थीटा, एम आर थीटा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है बेटा कॉस का होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता साइन हो जाएगा, तो साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई लिमिट लगाएंगे माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, और नीचे को पहले से क्या था एम, एम और एम मर जाएगा, तो आप बताओ बेटा आर बाई थीटा लिमिट रखेंगे तो साइन थीटा बाई टू माइनस, और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई टू, तो आपको नहीं लग रहा साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू मिलके टू साइन थीटा बाई टू, तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास याद रखिएगा टू आर साइन थीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आपको मिल गया बेटा, ये देखो टू आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो r sin थीटा बाई टू और होल डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू भी लिखा जा सकता है, अरे 2 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा थीटा बाई टू, तो ये एक गोल्डन फार्मूला आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, कैसे भी देखो आप समझो, अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो एंगल थीटा कितना लिखा जाता 2 पाई, कितना लिखते बेटा 2 पाई एंगल लिखते, तो 2 पाई जब एंगल लिखोगे तो देखो 2 पाई बाई थीटा 2 पाई बाई 2 तो 2 2 कट जाएगा पाई बचेगा और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो, कितना होता है जीरो, तो कंप्लीट रिंग होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास बच्चे बच्चे को पता होता कहां पे लाई करेगा जीरो कॉमा जीरो पे। अब देख भाई अगर ये आपका हाफ सर्कल होता है, कितना होता है हाफ सर्कल होता यानी सेमी सर्कल होता तो देखो पाई होता ना, अरे पाई लिखते तो पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ देखो पाई तो 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो रिंग का अभी हमने बताया था सेमी सर्कुलर रिंग का 2r बाई पाई, कितना होता बेटा 2r बाई पाई, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, विद इंजॉय किया होगा आपने इसके साथ अच्छे से, ठीक है तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे फार्मूला, मतलब जनरल फार्मूला, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को याद कर लो,
टू आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा, या ऐसे देखो याद करने में और आसान है, आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। देखो दूसरा मेथड क्या था, कुछ है नहीं, दूसरा मेथड आप समझ लो भाई, ये देखो दूसरा मेथड कुछ है नहीं, आप समझिए मेरी बात को, भावनाओं को समझो। देखो x है तो यहां पे लिख लो x इंटू dl, लिख लो अपॉन dl इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है, आप देखोगे सेम आएगा। x की वैल्यू कितना बेटा, r cos phi, तो देखो x के जगह पे हम लोग लिखेंगे r cos phi और dl के जगह पे वही चीज लिख देंगे r इंटू क्या चीज d phi इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू और यहां पे लिखेंगे r इंटू डी फाई। अरे dl वही तो होगा r d phi, आप सॉल्व करो, इतना आपको फार्मूला वही आपको मिलने वाला है क्या जो पहले मिला था आपको, 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा, ये यहां से भी निकाला जा सकता है, तो क्यों ना हम लोग हद तक के आसान किया जाए टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही बात करते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर वो डिस्क होगा तो उसका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, तो आप उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि इसका भी फायदा उनको मिलता रहेगा। तो चलिए बेस्ट आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बेटा।